आज के इस ब्लॉग में आपको ले जाएंगे दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट के लिटिल नॉन प्लेस अनिली, जो पड़ता है आही वैली में। डोंट गेट कंफ्यूज विद अनिनी। अनिली एंड अनिनी आर टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट। अनिली दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट का ईएसी हेडक्वार्टर्स में से एक है। अनिली आही वैली अरुणाचल प्रदेश दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट के सबसे लोकप्रिय गांवों में से एक है और अनिली पूरी आही वैली में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो शुरू करते हैं सफर और चलते हैं ब्यूटीफुल अनिली। हम अर्ली मॉर्निंग रोइंग लोअर दिवांग वैली से निकले और कई जगह को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। लोअर दिवांग वैली का वन ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस मायोध्या पास को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। और कुछ देर बाद पहुंचे जिसे 65 कहते हैं। 65 में अक्सर दिवांग वैली जाने या वहां से आने वाले यहां चाय या नाश्ता के लिए रुकते हैं। हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके और हमने भी चाय नाश्ता किया। में थोड़ी देर रुकने के बाद हमने आगे का सफर शुरू किया। रेशम फीरीरी पूरे राजाओं की डाना मंजंग रेशम फीरीरी रेशम फीरीरी रेशम फीरीरी रसों की डाना मवं जंगले समफीरी कुकू डालाई कुती मकोती बीरा लोलाई सूरी कुकू डालाई कुती मकोती बीरा लोलाई सूरी। कुंडली को पार करते हुए पहुंचे एथू रिवर। दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर्स है। क्या सर ये अनिली जाने के लिए हमें कई पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता है और कई जगहों पर रास्ता कठिन है। ऐसे आने से रिस्की है।
अच्छे जगह में जा। हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन कुछ दूर आगे जाकर हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमारे आगे एक गाड़ी फंसी हुई थी। वैसे तो स्टीप हिल्स एंड माउंटेन्स डेंजरस और खतरनाक लगता है लेकिन यहाँ से पूरा वैली का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखता है। हेलो आंटी, हाय। ये नहीं था ना? हेलो, ये देखो, ये नहीं था ना? हाँ तो रोड के बाद जो एक अच्छा रोड में चलने का जो मजा है ना, इसका मजा ही कुछ और है। अब आनी नेवा लास्ट टाइम पागो उसके बाद कुछ किलोमीटर आगे जाकर हमें फिर रुकना पड़ा क्योंकि रोड कटिंग के कारण रास्ता वन वे कर दिया गया था। यहाँ हम कुछ देर रुके। रोड कटिंग और ऊंचे पहाड़ को देखकर कुछ लोग डर भी सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्रांस अरुणाचल हाईवे के तहत इन दुर्गम पहाड़ों में रास्ता बना रहे हैं और कई जगहों पर सड़क काटने का काम चल रहा है, इसलिए अनिली जाने के दौरान आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जैसे हमने किया, लेकिन ये मुश्किल भरा सफर भी मजेदार और यादगार था। इसका कुछ टाइमिंग है क्या? टाइमिंग है खोलना बंद होना, ये रास्ता जो खोलने का रास्ता खुलता है बंद होता है, वही तो टाइमिंग है क्या? टाइमिंग सिस्टम है। ओ, दो दिन बंद था। ओके, आज खुला है दो दिन। और ये एग्जैक्ट ये एरिया को क्या बोलते हैं? मालूम नहीं ना, आम दिन आया है, एक महीना हुआ है। कहाँ से आए आप? हम तो असम से। असम से कितना दिन हुआ है? ऐसे 25 25 days। हाँ, तो इतना दूर से आया क्या करेगा? पैसा तो कमाना पड़ेगा। पैसा कमाना है। आपका नाम क्या है? अनंत दास। कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? क्या बोलेंगे, इतना डस्ट है ना। ऐसा ना, डरावना तो है। डरावना है ना, डस्ट देता है ना। डस्ट देते है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी मालूम चला कि मुझे ये भाई ने बताया कि BSNL नेटवर्क चलता है यहाँ पे। BSNL वो भी 2G चलता है और जी नहीं। ओके, हम लोग महीना में दो महीने का बाद एक बार रोइंग देता है नेटवर्क। ओ ऐसा, जो अपने का खर्चा करते हैं उपाय नहीं ना अभी उधर का। बहुत डस्ट, बहुत डस्ट।
फाइनली लोग का टर्न आ गया। अच्छा उसके बाद कुछ देर तक हम बीच रोड का मजा लेते हुए आगे बढ़े। वैसे अनिनी और दिबांग वैली के अदर प्लेसेस जाते हैं तो पूरा रास्ता खराब नहीं है। एक नाले बंदो दुई नाले बंदो गलाई ताके को एक नाले बंदो जाऊ के डानामा भन्छन् रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ के डानामा भन्छन् रेशम फिरिरी जहाज सरकमा मोटर ना भए गारा छ आकाशमा जहाज सरकमा मोटर ना भए गारा छ यो मन जस्तो त्यो मन भए तागति गारा छ रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी। अब दोपहर हो चली थी और हमें भूख भी लगी थी तो हम खाना खाने के लिए एक होटल के नजदीक रुके। जहाँ हम रुके उसे राली कहते हैं। So we'll be stopping here, holding here for some time to take our lunch. The place is called Rali. Nasib was there to give us. कानली होटल होटल का नाम जो कानली चले अभी उठ गया ज्यादातर लोग यहाँ लंच के लिए रुकते हैं और इस समय ये होटल लोगों से खचाखच भरा रहता है। हमने यहाँ लंच किया और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट किया। उसके बाद हम आरजू को पार करते हुए पहुँचे न्यू एंदोलिन। न्यू एंदोलिन में हमें कुछ काम था तो यहाँ भी हम थोड़ी देर रुके फिर अनेली की ओर चल दिए।
हॉस्टल में था ना? हाँ ओके क्या नाम है आपका? मेरा उनका इचो मेरो। कौन बड़ा है? स्कूल जाता है? उसको ही करेगा। पोइम सुनेगा? पोइम सुनाओ। आप सुनाओ। हमको पोइम पता नहीं है। सुनाओ। नुकसान हो गया तुमने पूरा ओपरा हो गया सब कुछ ना? यहाँ फेंक देगा हाँ तुम्हारे वहाँ में ठीक है ना? शॉर्टकट ना? कुछ क्या करे थे? हाय हाय लाचा। हाँ। What's your name? इचो। इचो what? पूरा नाम? हाँ। पूरा नाम? नाम? इचो मेलो। इचो मेलो। स्कूल जाते हैं? हाँ। कितना में? चलो चलता है क्या ये? छोटा सा एक टेलीफोन बूथ है शायद वो WLL है कि या क्या है पता नहीं लेकिन फोन लगे कुंजी आ देवा ओ नाबा ओ ये नानी पेगा बस्ती पहुंच गया हां नानी पेगा बस्ती पहुंच गया नानी पेगा बस्ती सो वी आर टेकिंग डिवीजन फॉर अनिली जंक्शन ಮಾಲಿ ಎನ್ನ ಲೇಬಲ್ ವೆಂಡಲ ಪಚಿಬನ ಜನ್ನೆ ಟೋ ತುಬು ತಾನಿಂಗ ಲೋಬ ಪಜಿಗ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको मिलेगा तालो ब्रिज। ये ब्रिज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ दिवांग वैली तालो के ऊपर बना है और सिर्फ ये ब्रिज ही अनिली का लाइफलाइन है। इस ब्रिज के बनने से पहले लोग इस नदी को पार करने के लिए हैंगिंग ब्रिज का यूज करते थे जो अब फंक्शनल नहीं है। आपको बता दूं कि अगर आप अनिली जा रहे हैं तो यहां आपको IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर का सेवन करना या अनिली ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको 50,000 रुपए फाइन लगाया जाता है। ठीक ब्रिज के नजदीक ही एक बोर्ड भी लगा है जहां ये चेतावनी दी गई है लेकिन फिलहाल ये बोर्ड क्लियर नहीं है क्योंकि कई अक्षर मिट चुका है। बिना स्टैंड का ब्रिज बिना पिलर का है मुझे बताया गया कि पहले संपर्क न होने के कारण अनिली पहुंचना बहुत मुश्किल था।
एकमात्र कनेक्टिविटी यही एक हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, जिसके कारण अनेली के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और बाहरी दुनिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ रहता था। इस सफर के दौरान हमें रास्ते में कई जगहों पर कुछ मिथुन भी दिखाई दिए। मिथुन यानी गायल अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट एनिमल है। इसे पहले स्टेट एनिमल के तौर पर जाना जाता था। नमक नहीं है ना, नमक होने से तो देना था। छुट्टू भी लड़का है। सब लड़के है ना। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनेली गांव की ओर जाने वाली एक सड़क लगभग बनकर तैयार हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए आसान हो गई है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब अनेली आसानी से पहुंचा जा सकता है और दूसरे गांवों के मुकाबले यहां फैसिलिटीज और सुविधाएं ज्यादा हैं। तो दूर दराज के अलग अलग दुर्गम क्षेत्र वाले गांव वाले भी यहीं आकर बस गए हैं, जिसके कारण ये आही वैली का सबसे पॉपुलेटेड एरिया बन गया है। तो इस तरह कुछ मुश्किलों का और कुछ यादगार पल बिताते हुए अंत में हम पहुंच गए अनेली, जो दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द ईएससी हेडक्वार्टर्स है और आही वैली का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ओ, ये पूजा वाला ही है। यही है। आगे क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या देखा आपको दिखाएंगे और बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।